तो आज का दिन ज़रा ये था कि हम चर्च को मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाता चलूँ हमारा चर्च अभी इन दिनों में कैसा है। आज ईद पेंतिकॉस्ट है। पहले तो मैं आप सबको ईद पेंतिकॉस्ट मुबारक कहता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज बेलविन जॉर्ज फ्रॉम बेलविन हनी व्लॉग्स। और आज संडे का दिन है, सुबह का वक्त है। इस वक्त हम चर्च आया करते हैं और आज भी मैं चर्च आया हूँ क्योंकि हम लोग चर्च को अपना बहुत मिस कर रहे थे। ये मेन गेट है चर्च का और ये हमारे चर्च का नाम है स्टेला मैरिज चर्च, केयर ऑफ सेंट एंथनी चर्च। इन स्टेयर से हम लोग चढ़ के ऊपर आते हैं। तो गाइस ये हमारी चर्च की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम लोग चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो मैं आपको चर्च की तरफ, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं अभी, तो चर्च भी दिखाएंगे। वो हमारे चर्च का कॉर्नर नज़र आएगा आपको। ये चढ़ते हुए हम सीढ़ियों से चर्च की तरफ जाते हैं। चर्च का आपको कॉर्नर नज़र आएगा, ये छत का कॉर्नर है। सीढ़ियाँ और चढ़ेंगे और अभी इन सीढ़ियों से चढ़ के मैं चर्च की तरफ जा रहा हूँ। संडे का दिन है, सब जानते हैं कि अली रूटीन होती है कि संडे को हम चर्च जाते हैं। तो ये पूरा रास्ता क्रॉस करके थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको स्टेयर्स। हम उसके लिए यहाँ से आना, इन स्टेयर्स से हम लोग चढ़ के ऊपर आते हैं। वो आगे गली तक ही जाती हैं और सुनसान से ये गली है। और हम यहाँ से आते हुए मतलब ये मेन एंट्रेंस का एरिया है। ये पूरा आगे मेन रोड जाता है जो कि दो तलवार, तीन तलवार और मेन रोड को टच होता है। और पीछे से ये पूरी आबादी है, एक गेट है, मतलब एक एंट्रेंस ही है इलाके का। और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, ये हमारे चर्च का मेन गेट है। बहुत दिनों, हफ्तों, महीनों के बाद स्टेला मैरिज चर्च दिखाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चर्च कब खुलेगा, और क्योंकि संडे होता है या सैटरडे वाले दिन ही पूछते हैं कि कल संडे है तो चर्च कब खुलेगा, आप बताएं। तो बहुत सारे लोग टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस भेज रहे थे कि चर्चेस कब खुलेंगे, कब खुलेंगे। कल सैटरडे था तो लोगों ने बहुत पूछा कि यार चर्च कब खुलेगा। तो ऐसे में बहुत मिस करें हम, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चर्च दिखाते चले इनको। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। तो आज के दिन पूरी जो चर्चेस हैं, पूरे जो क्रिश्चियनिटी के जितने भी डोमेन्स हैं, वो सब आज के दिन ईद पेंतिकॉस्ट मनाते हैं और बड़े जोश व जज्बे के साथ। तो ईद पेंतिकॉस्ट उस दिन की याद में मनाया जाता है जब से मसीहियत का आगाज़ हुआ था, क्रिश्चियनिटी का शुरू हुआ था, कि दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हुई थी। तो असल में ये वाकया वो हुआ था कि खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद उनके शागिर्द एक कमरे में थे तो थोड़ा डरे और सहमे थे। तो खुदा यीशु मसीह ने जाते हुए एक वादा किया था कि मैं जाऊंगा और आपके लिए मददगार भेजूंगा। तो वो उन्होंने रूल कुदस की सूरत में एक मददगार भेजा। ईद पेंतिकॉस्ट का दिन असल में उस याद में मनाया जाता है कि उस दिन शागिर्दों पे रूल कुदस नाजिल हुआ था और वो रूह से भरपूर हो गए थे, रूह से भर गए थे और उनमें ताकत आ गई। और उन्होंने उस कमरे से, उस बंद कमरे से निकलकर बड़ी दिलेरी के साथ बाहर निकले और मसीह का कलाम फैलाना शुरू कर दिया, खुदा का कलाम फैलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने दुनिया भर में, उसके बाद से फिर क्रिश्चियनिटी दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई। और उन्होंने जितने भी शागिर्द थे, उन्होंने खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। ऐसी कोरोना वायरस की लॉकडाउन की सिचुएशन में चर्चेज अभी बंद हैं, लेकिन इसका ऑल्टरनेट ये हो रहा है कि हम लोग अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो रही हैं फेसबुक और यूट्यूब पे।
बहुत सारे ऐसे मसीही चैनल्स हैं जो कि हमारी इबादत को नशर करते हैं। जैसे कि कराची में एक बड़े चर्च के अंदर बहुत बड़ी इबादत होती है, सिर्फ प्रीस्ट वहाँ पे करते हैं, बाकी उसको जो ट्रांसमिशन है वो घरों घरों तक फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू जाती है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस चैनल है गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, तो उसके थ्रू हमारे घरों तक लाइव ट्रांसमिशन जाती है इबादत की, तो हम लोग घरों पर बैठ के इबादत करते हैं। और आज ईद पेंतेकोस्त है, तो ईद पेंतेकोस्त के दिन पे भी इबादत है हमारे घरों के अंदर होगी, फैमिलीज़ के साथ बैठ के करेंगे। तो कोरोना वायरस से सब लोग सफ़र कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन भी जो हैं ऐसे में सफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग मिस कर रहे थे अपने चर्च को, तो मैं सोचा कि आपको चर्च दिखाते चलें। तो हमारा चर्च अभी ऐसे है, अभी बंद है। ख़ास ऑर्डर जो बड़ा ऑर्डर है वो पोप से आता है, पोप फ्रांसिस जो कि इस वक्त इटली में रोम में होते हैं, और हुकूमत की तरफ से भी अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। आप सब दुआ गो रहे हैं कि खुदा करे जल्द से जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो, ताकि दोबारा से इबादत जो हैं वो कंटिन्यू हो सकें, हम फिर से चर्चेज में इबादत कर सकें और एक दूसरे का ख्याल रखें। तो आखिर में आप सबसे यही गुजारिश है, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात हो सके, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह पर एहतियात बताए गए आप उन एहतियात को फॉलो करें, ताकि कोरोना वायरस खुदा नख्वास्ता आपको ना हो जाए या आपकी वजह से किसी और को ना हो जाए। तो एहतियात करें और दुआ करते रहें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।